महिवा मंडी में कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि महिवा मंडी की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मछली मंडी, सब्जी मंडी, फल मंडी के व्यापारियों के साथ अलग अलग बैठक हुई है। सभी व्यापारियों और अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मास्क लगाने के लिए बताया गया है, जिससे कि मंडी में संक्रमण ना फैले और जहां कहीं भी गंदगी है उसको साफ सफाई और सैनिटाइजेशन करके दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि बिना मास्क के ग्राहकों को सामान ना दें और हर हफ्ते अपना और अपने कर्मचारियों का थर्मल स्कैनिंग करके टेम्परेचर रजिस्टर में नोट करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, अंकुश के साथ में आपने खाना देखिए, फल मंडी में दो तीन चार चीज़ें आपसे बात करनी है, क्योंकि मैं पिछले दो घंटे से मीटिंग ले रहा हूँ इसकी जगह यहाँ सब मंडी का निकल रहा है, मंडी वाले को कारण ये सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म जो है उसका पालन ना होना, दुकानों को मास्क लगा के लोग मिल रहे हैं, मास्क अक्सर ऐसे नीचे करते रहे हैं या कोई गमछा लपेटा हुआ है, तो चार पाँच चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, काम करना ही करना है, तो क्योंकि आप तो जिम्मेदार लोग हैं, आप लोग इससे पहले काम कराएं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये चीज़ें करा दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ कि मंडी का एक व्यवस्थित समय, जो फल मंडी का समय जो आप होता है उस समय के पूरे समय पर दिन भर मंडी कराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका समय क्या है मैं 5 बजे से 10 बजे तक कह सकता हूँ, 11 बजे तक आप लोग 5 बजे से 11 बजे आप लोग पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपके यहाँ अगर जितने कर्मचारी हैं सबका रजिस्टर बनना चाहिए था, मैंने बताया था, तो बहुत जरूरी चीज़ आपके यहाँ है कि आपके फल मंडी के बाहर प्राइवेट ठेले वाले ठेला लगाए हुए हैं, आम बेच रहे हैं ये बेच रहे हैं, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी वहाँ के इंस्पेक्टर और आपकी सबकी है, आपकी होगी अध्यक्ष मंत्री की है, कोई यहाँ फुटकर विक्रय नहीं करेगा, अगर करेगा तो आप सर किस संदर्भ में बैठक हुई है? देखिए मंडी के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जैसे मछली मंडी है, फल मंडी है, सब्जी मंडी है और आलू प्याज मंडी है, और इन सबके आढ़तियों से अलग अलग बैठक की गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था कि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का यहाँ पूरा पालन हो, इसके अलावा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किसी भी प्रकार से अगर कोई भी मंडी में आढ़ती या उसके कर्मचारी मास्क लगाए हुए नहीं पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ तत्काल जुर्माने की वसूली की जाएगी, तो इस संबंध में उनको विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा साफ़ सफाई को लेकर भी जो शिकायतें आ रही हैं उसके संदर्भ में बैठक की गई है कि साफ़ सफाई इनके द्वारा स्वयं की भी जिम्मेदारी है, मंडी समिति तो साफ़ सफाई करा ही रही है पर ये आढ़तियों की भी जिम्मेदारी है कि अपने यहाँ साफ़ सफाई करें। फुटकर विक्रय मंडी में नहीं हो रहा है तो किसी प्रकार के फुटकर विक्रय को कोई प्रचलन नहीं होगा और ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा जो कंट्रोल रूम ड्यूटी है उसका ड्यूटी का भी एक बार मीटिंग की गई है, कंट्रोल रूम ड्यूटी बेहतर तरीके से करें और कहीं भी भीड़ लगती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो इन सब बिंदुओं पर बैठक की गई है। मछली मंडी में थोड़ी भीड़ जुटने की शिकायत आ रही थी, इसके अलावा थोड़ा गंदगी की शिकायत आ रही थी, तो उसके संबंध में आरतियों को अलग से बुला के उनसे उनको बता दिया गया है कि कैसे वो अपने भीड़ पर नियंत्रण करें, इसके अलावा कैसे वो जो भी उनके यहाँ कर्मचारी हैं उनको मास्क पहनाएं, इन सब चीज़ों पे विस्तृत उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। मंडी के इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी पहले से लगी हुई है, उनको भी सेंसिटाइज किया गया है कि वो अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से करें, तो कुल मिला के मंडी के व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग यहाँ मंडी में हर 5 दिन पर होती रहती है हर मंडी में। इसके अलावा मंडी में पल्स ऑक्सीमीटर से भी व्यापारियों की जाँच हो रही है, तो अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का सेंसिटिव पाया जाता है तो उसको तत्काल जिला अस्पताल को रेफर किया जाएगा, तो उनका रजिस्टर भी अलग से बनवाया जा रहा है, तो पूरा प्रयास ये है कि मंडी की व्यवस्था को और बेहतर किया जाए और कोरोना की बीमारी से यहाँ मंडी के आढ़तियों को और मंडी संबंधित सभी को बचाया जा सके।